जहर विष निकला, और जब विष निकला तो विष का हल कैसे निकले, इससे कैसे बचा जाए। सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने उस विष को पान करना यानी पीना स्वीकार किया, और जब पहुंचे सिंधु के किनारे, लेकिन उससे पहले अरे हलचल मची कहीं पे, बस बेटा अब इतना लंबा नहीं लगाना। आओ बेटे, चूंकि हमें नायक जी ने समय बहुत कम दिया है, वैसे भी बहुत बड़ा गीत था, बहुत बड़ा उत्तर हमको देना पड़ा है, और पूरा गीत गाना भी कटबीस भी गाना है, इसलिए इतना लंबा मत करना। आपका बेटे एकदम शॉर्ट एंड स्वीट कहना है। छोटे भैया राहुल जी, बेटा इस गीत को सुनना, तो मेरे छोटे भाई हो, बहुत अच्छा लिख रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि सुनना फिर लिखना, तुम्हारे समझ में आए वो लिखना। आपका हम लोग ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, बिल्कुल आशीर्वाद है बेटा, बहुत अच्छा लिख रहे हो। लेकिन सुनो, अरे हलचल मची कहीं पर, हलचल मची कहीं पर, कहीं हो रहा कोला हल, ये है मामला। हल हलचल मची कहीं पर, कहीं हो रहा कोला हल,
बस गाना हाल समझ मिल गया है देखो सेजी पी गए हला हल क्या बात बस केवल गाना समझ लीजिए हल यानी उत्तर उसका समाधान हल मिल गया है देखो से पी गए हला हल लेकिन पिया कैसे 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 पिया भगवान भोलेनाथ ने हला हल कैसे पिया अरे खोला मुख संभूले खोला मुख संभूले अपना रा कह के मुख से निकला रा जहर पी लिया रा कहा जहर पी लिया और जब जहर पी लिया खोला मुख संभूले अपना रा कही के पी के विष बंद करते हैं मां कही के बीच में हलाहल पहले कहा रा जहर पी लिया फिर कहा मां बंद कर दिया रा और मां यानी राम के बीच में रा और मां के बीच में जहर लौप हो गया ना आज तक ऊपर आ पाया ना आज तक नीचे जा पाया कंठ पड़ गया नीला तो उनका नाम पड़ गया नील कंठ यह मामला नीलकंठ समझो लेकिन सोचिए अवका अरे खोला मुख संभूले अपना रा कही के तो पी के विश्वबंद करते हैं मां कही के सोचिए लंका जाने के लिए सागर के सामने है सागर भगवान राम लंका जाने के लिए रास्ता मांग रहे हैं अरे सागर के सामने है देखो कृपा के सागर केवल गाना सुनते जाइए केवल गाना सुनिएगा अब गाना में जरूर आपको लगेगा कुछ मेहनत है कुछ वायदा है अरे सागर के सामने है अरे देखो कृपा के सागर और अरे सागर से मांगते हैं सागर से मांगते हैं पथ आज करुणा सागर और सागर से मांगते हैं पथ आज करुणा सब कुछ हुआ लेकिन उपाय ये हुआ कि पत्थरों का पुल बन जाया जाए पत्थरों का पुल बनाया जाए सेतु बनाया जाए नलनील को वरदान क्या श्राप था कि तुम्हारा फेंका हुआ पत्थर पानी में डूबेगा नहीं तो नल और नील तो पत्थर फेंकने लगे लेकिन फेंके कैसे गए अरे पहला पत्थर गया छोड़ा पहला पत्थर मामला को समझिए पहला पत्थर छोड़ा गया रा लिख के दूजा पाषाण छोड़ा गया मां लिख के वाह मामला वही रा कह के
मां कह के रा लिख के मां लिख के पहला अर पत्थर छोड़ा गया रा लिख के पूजा पासाल छोड़ा गया माल कहना है अरे डाकू थे लूटते थे कौन बाल्मीकि जी अरे डाकू थे लूटते थे नादान तो नहीं थे अरे आप सोचिए जिसको डाका डालने का ज्ञान है जिसको अपने पराए का ज्ञान है जिसको भोजन करने का ज्ञान है जिसको चलने फिरने का ज्ञान है अरे डाकू थे लूटते थे नादान तो नहीं है और अरे सीधे को उल्टा कहते इतने अज्ञान थे क्या बात इतने अज्ञान थे वो हर चीज का ज्ञान था लेकिन राम को राम नहीं कह पाए मरा मरा कहते क्या कितना छोटा सा नाम है राम छोटा बच्चा जो बोलने लगता है वो भी राम कह लेता है और वो तो जवान थे सब कुछ ज्ञान था उनको लेकिन सोचिए अरे अरे सीधे को उल्टा कहते अज्ञान तो नहीं थे सपनों नहीं पावा राम जी कहते हैं कि जो शोका द्रोही हो मेरा भक्त हो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता जो शिव को भजेगा वो मुझे भजेगा तब मुझको प्राप्त कर पाएगा इसलिए सुनिए मेरी लाइन कह रही है बहन जी कि आखिर उन्होंने मरा मरा क्यों जपा राम राम क्यों नहीं जपा मरा मरा क्यों जपा वो इसलिए जपा अरे महादेव को मनाया है माँ से महादेव अरे महादेव को मनाया है माँ कही के मंचला राम गाया है रात कही इसलिए उन्होंने कहा मरा 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 उल्टा नाम जपत जग जाना इतने ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने सीधा राम का नाम जपा है सीधा भगवान का राम नाम जपा है हजारों वर्षों तक जपा है लेकिन वो ब्रह्म के समान नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अकेले राम को या अकेले भगवान भोलेनाथ को जपा है अकेले राम को जपा है या अकेले भोलेनाथ को जपा है लेकिन सौड में इन्होंने भोलेनाथ और राम दोनों को जपा है इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल्मीक भय ब्रह्म समाना महादेव को मनाया है मां कही के मंचला राम गाया है रात कही सोच रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा हम भी कर दे नायक जी माफ करना कुछ समय ज्यादा लग रहा है अवका हमारा चालान ना कर दे लेकिन इस बार हम प्रयास करेंगे कि बहुत छोटा गीत गाएंगे और छोटे में आपसे
आप सबसे परिचित होंगे, रूबरू होंगे। एक समय मंदोदरी और रावण दोनों लंका घूमने निकले, देखते हैं कि विभीषण राम राम जप रहा है और उसकी कुटिया में भी लिखा है राम राम। मंदोदरी ने कहा प्राणनाथ ये क्या है, ये राम का भक्त है आपका भाई? बोले ना, बोले फिर कहा मंचला जपता है मुझे रात कही के। रासे रावण मंचला जपता है ये मुझे रात कही के, तेरा सुमरण करे मंदोदरी माँ कही के। ये विभीषण रासे रावण माँ से मंदोदरी, तेरा सुमरण करे मंदोदरी माँ करे मंदोदरी।